फोटो लिया कैमरा में दिखाई दे रही है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर जो एक काला कानून लाया है जो देश को तोड़ने के लिए है, ये काला कानून के खिलाफ आज पूरे लोग खास करके आज महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं। और एक बात आपको हम बताएं कि आज से अनिश्चितकालीन धरना ये रोजाना चलेगा और बड़ी संख्या में पूरे एरिया की खवातीन आएंगी, औरतें आएंगी, महिलाएं आएंगी और पुरजोर अंदाज में कहेंगी कि अब हमने कहेंगी कि जब इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा ये महिलाएं उठने वाली नहीं हैं, अब दबने वाली नहीं है, बल्कि इन्होंने इनका मानना है कि जब ट्रिपल तलाक का मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी अपना रूमाल को आंसुओं से भिगा लेते थे रो रो कर कि हमारी बहनों पे अत्याचार हो रहा है, तो आज हमारी बहनें रोड पर हैं, उनकी बेटियां रोड पर हैं, उनकी औरतें रोड पर हैं, तो आखिर उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं, इनसे मिलने जाए। और दूसरा ये कि काला कानून को वापस पीआर और सीएए के विरोध में भारत बंद बुलाया गया है और इस भारत बंद का नेतृत्व एससी एसटी ओबीसी के लोग कर रहे हैं। हम लोग एनआरसी और सीएए के विरोध में हैं और कहना चाहते हैं कि अगर तुमको एनआरसी लागू ही करना है तो डॉक्यूमेंट के आधार पे नहीं डीएनए के आधार पे लागू करो। इसमें बात करके आज पूरे भारत में एससी एसटी ओबीसी के नेतृत्व में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के मुस्लिम भाई मिलकर के इस भारत